अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर जिला में क्राइम करने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने खाका तैयार किया है और इसी के चलते हमीरपुर जिला में चल रहे तमाम होटलों भवन के मालिकों को चेताया है कि 22 फरवरी से पहले किरायेदारों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आवश्यक होगा, जिसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर सभी पुलिस थानों में फॉर्म भरे जाएंगे। हमीरपुर जिला में क्राइम करने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने खाका तैयार किया है और इसी के चलते हमीरपुर जिला में चल रहे तमाम होटलों भवन मालिकों को चेताया है कि 22 फरवरी से पहले किरायेदारों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आवश्यक होगा, जिसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर सभी पुलिस थानों में फॉर्म भरे जाएंगे। पुलिस लाइन दुसरका में मासिक क्राइम बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसपी अजीत सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में बिना एक्साइज रजिस्ट्रेशन के चले रेस्टोरेंट या ढाबे जहां पर नशीले मादक पदार्थों की बिक्री की जाती है उन पर शिकंजा कसा जाएगा। जो टेनेंट्स हमारे यहां पे टेनेंट्स यानी किराएदार या एम्प्लॉयर सॉरी या एम्प्लॉयज या कोई भी व्यक्ति जो इस तरह का यहां पे प्रेजेंट है, जो यहां का नहीं रहने वाला हमीरपुर का, उन सब की हम जो है टेनेंट वेरिफिकेशन पुलिस के द्वारा की जाएगी। ये जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं या किराएदार किराए पे देने वाले मकान मालिक हैं, उन सब के को मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये इस तरह का फॉर्म जो है हमारा सभी पुलिस थानों में अवेलेबल होगा। कुछ जल्द ही हम इसको ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवाएंगे, पर हम ये उम्मीद करते हैं कि विद इन बाय फरवरी एंड यानी फरवरी महीने के लास्ट तक सारे हमीरपुर ज़िले में जितने भी टेनेंट्स और बाहरी किराएदार हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए वो सभी थाने में मौजूद रहें, प्रेजेंट रहें, ये फॉर्म भरें। ये डिटेल्ड फॉर्म है जिसकी कॉपी हम प्रोवाइड करेंगे और उसको भर के हम उसको पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद करेंगे। जो हमारे नोटिस में आई इस क्राइम मीटिंग के दौरान वो ये थी कि अक्सर ये देखा गया है कि कई होटल और रेस्टोरेंट जो हैं वो बिना एक्साइज की परमिशन के, बिना बाकी परमिशंस एडिक्वेट परमिशंस के जो है चलाए जा रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ पे वो किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का भी सप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा ये एक एक्साइज एक्ट के माध्यम से भी और गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों के का भी उल्लंघन है, इसीलिए हमने SHOs को ये वेरीफाई करने के लिए भी डायरेक्शंस दिए कि जहाँ जहाँ भी उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई इस तरह के होटल या रेस्टोरेंट्स हैं तो वो उनसे मिलें, जब चेक करें तो उनको ये गाइड जरूर करें कि आप जितनी भी आपकी परमिशंस हैं, वैलिड परमिशन है, फॉर एग्जांपल लिकर लाइसेंस है आपके पास, वो सारा डिस्प्ले आप रिसेप्शन पे करेंगे, एक फ्रेम फोटो फ्रेम बना के उसको आप एक रिसेप्शन पे लगाएं ताकि ये चेक करना आसान हो कि इनके पास सारी एडिक्वेट परमिशंस हैं। इससे ना केवल पुलिस को सहायता होगी, ये आम जनता की सहूलियत के लिए भी है, क्योंकि जो व्यक्ति वहाँ पे रेस्टोरेंट में या बार में डिनर या उसके लिए जाता है तो उसको भी ये पता होना चाहिए कि वो किसी एक लाइसेंस्ड बार में या लाइसेंस्ड रेस्टोरेंट में बैठा है। SP हमीरपुर अजीत सिंह ने बताया कि मासिक क्राइम बैठक में ओवर स्पीड के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि ओवर स्पीड चलने वाले वाहन चालकों के चालान करके सख्ती बरती जाएगी ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। साथ ही हिमाचल में खराब मौसम के चलते नदी नालों में जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों को हिदायत दी है कि लोग नदी नालों के समीप न जाएं। SP ने बताया कि प्रदेश भर में 2 दिन अलर्ट के चलते मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, जिसको लेकर हमीरपुर पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क हो गई है। वो है रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। रोड एक्सीडेंट्स हालांकि घटे हैं, पर ये भी ऑब्जर्वेशन आई है कि ओवर स्पीडिंग एक अक्सर कारण रहता है लोगों का एक्सीडेंट होने के कारण, एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने का। तो इसलिए हमने ये डायरेक्शंस जो हैं सभी थाना इंचार्जेस, चौकी इंचार्जेस को दिए कि ओवर स्पीडिंग के जो है चलान, ओवर स्पीडिंग को चेक करने के लिए हम ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे एक्सीडेंट उसके माध्यम से कम हों।